हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लेट्स स्टार्ट विद अ मंथली चार्ट। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने सिल्वर को लगभग 600 रुपए नीचे बंद होते देखा, 66,500 के अराउंड, लगभग 1% डाउन। और यहाँ मंथली चार्ट पे आप देखोगे हमने ऊपर जाने की कोशिश की थी और हाई लगाया था लगभग 70,000 प्लस पे, लगभग 70,700 पे, मगर उस लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ मंथली चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सप्लाई आ रहा है मार्केट में, और हो सकता है कि हम धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगे। क्लियरली टॉप दिखाई दे रहा है जो बनाया था 73,000 के अराउंड। तो यहाँ सिल्वर जो है तो वीक लग रहा है और करेक्टिव पैटर्न दिख रहे हैं चार्ट पे, मंथली चार्ट पे। इसका मतलब हमें जो है तो शायद मीडियम टू लॉन्गर टर्म में सिल्वर पे अच्छे खासे नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। करंटली जो स्मॉल सपोर्ट है वो है 65,000 के अराउंड। अगर वो टूटता है तो हम डेफिनेटली 59 और 55 के तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल के लिए 65 आपको वॉच करना है। अगर वो टूटता है तो हमें 59 और उसके बाद में 55 के टारगेट लॉन्गर टर्म में देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। और यहाँ मंथली चार्ट पे आप देखोगे कि सिल्वर ट्रेड कर रहा है लगभग 1.5% नीचे 1,000 पॉइंट के लॉस के साथ फॉर द मंथ। लास्ट मंथ हमने 2.5% के गेन देखे थे, इस महीने हम लगभग अभी तक 1.5% लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो क्लियरली दिखा रहा है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग जोरों पर है और यहाँ शायद मीडियम टू लॉन्गर टर्म में हम जो है तो सिल्वर को ऊपर के बजाय नीचे जाते हुए देखेंगे। अगर 65 टूटता है तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हम जो है तो धीरे धीरे 59 की तरफ बढ़ेंगे। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे यहाँ 3.5% के लॉस दिखा रहा है इस हफ्ते के लिए, लगभग 2,500 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है सिल्वर। लास्ट हफ्ते हमने जो है तो 3% के गेन देखे थे और इस हफ्ते भी हमने ऊपर जाने की कोशिश की थी, मगर ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सप्लाई आ चुका है मार्केट में। यहाँ सेम रहेगा 64,500, 65,000, ये जो है तो मेजर सपोर्ट जोन है। अगर उसके नीचे जाता है सिल्वर तो हमें जो है तो एक डीपर करेक्शन देखने को मिल सकता है और धीरे धीरे हम 59 और 55,000 के लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ क्लोजली वॉच करना है आपको 64,500 का लेवल ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। उसके नीचे आपको जो है तो एक लॉन्गर टर्म करेक्शन, मीडियम टू लॉन्गर टर्म करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके टारगेट यहाँ 59 और 55,000 के आते हैं। अगर वहाँ से रिवर्सल आता है तो हम फिर से जो है तो ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, मगर जिस तरह से अभी प्राइस पैटर्न बन रहे हो सकता है कि हम जो है मोस्ट प्रोबेबली हम नीचे ही जाएंगे। तो 64,000 या फिर 65,000 के नीचे हम जो है तो मोस्टली बेयरिश हो जाएंगे, या करंटली सिर्फ करेक्शन चालू है जिसका टारगेट रहेगा 65,000। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो हमने शुरुआत जो है तो वीक की थी इस महीने की, वहाँ से फिर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली बिल्डअप हुई, लॉन्ग भी हुए, और यहाँ जो है तो हमने 70,000 प्लस के लेवल देखे, वहाँ से एक अच्छा खासा सप्लाई फिर से मार्केट में आ रहा है। और अभी जो है तो डेली चार्ट पे हम 50 डेज का जो एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये क्लियरली एक बेरिश साइन है। यहाँ जो है तो आपको जब तक सिल्वर 67,000 के नीचे है तब तक आपको जो है तो बेरिश व्यू रखना है सिल्वर पे। आपका टारगेट रहेगा 65। अगर 65 टूटता है तो आपको जो है तो 60,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ मल्टीपल टारगेट है, मगर एक मेजर टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ कि 65 के नीचे जाते ही हम जो है तो धीरे धीरे 60,000 या फिर जो हमने देखा वीकली चार्ट पे 59,000 के तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। करंटली नेक्स्ट वीक के लिए मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगा, जब तक सिल्वर 67,000 के नीचे है मुझे लगता है कि मैं टारगेट लेकर चलूँगा 65,700 से लेकर 65,700, और उसके बाद में 65,000 के टारगेट हम नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर बाउंस बैक भी आता है तो मैं उसे सेल करने की कोशिश करूँगा, मगर आपको जो है तो मेजर मोमेंटम मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 67,000 के नीचे ही, और टारगेट रहेंगे 65,700 और उसके बाद में 65,000। 65,000 का लेवल अगर एक बड़ी सी कैंडल के साथ टूटता है तो आप जो है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले 2 से 3 महीने में हम जो है तो सिल्वर पे 60,000 या 59,000 का भी लेवल आते हुए देखेंगे। तो यहाँ हमें देखना है कि सिल्वर ये 200 डेज का एवरेज होल्ड कर पाता है नहीं। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको जो है
तो एक अच्छी खासी एक शॉर्ट स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकती है जिसका टारगेट 60,000 के अराउंड रहेगा। तो यह मुझे लगता है कि ऑल ओवर कमोडिटी अभी जो है तो प्रॉफिट बुकिंग चालू है, लिक्विडेशन चालू है, और ड्यू टू जो इक्विटी मार्केट में वोलेटिलिटी है उसकी वजह से जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं उनके मार्जिन कॉल ट्रिगर होते हैं, तो उनको वो सबसेट करने के लिए उनके जो प्रेशियस मेटल रहते हैं वो ओपन मार्केट में बेच देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ट्रेडर भी यही करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ जो है तो आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ इन्फ्लेशन की वजह से गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे थे, मगर मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे जिस तरह से यहाँ रिडेम्पशन प्रेशर आ रहा है, हो सकता है कि हम जो है तो एक बार निचले लेवल टेस्ट करें और फिर वहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर पे यहाँ फिर से बता देता हूँ मैं, 67,000 के नीचे हमारा बेयरिश व्यू रहेगा, टारगेट रहेंगे 65,700 और उसके बाद में 65,000 के। अगर 65,000 के नीचे डेली क्लोजिंग आती है तो आपको जो है तो एक डाउन साइकिल देखने को मिलेगा सिल्वर में, जिसका टारगेट रहेगा 60,000। तो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो ऑन श्योर शॉट कमोडिटी कॉल्स, तो आपको उसके लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.